समर्स आ गई हैं और अचानक आप अपने बेबी की स्किन पर रेडनेस और रैशेस देख रहे हो, डरिए मत। जो बेबी की स्किन पर ड्राइनेस हो रही है उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ड्राइनेस सिर्फ विंटर्स में हो, क्योंकि एक तो इतनी ज्यादा गर्मी है और ऊपर से लू भी इतनी ज्यादा चलती है, तो बेबी की नाजुक स्किन पर इसका असर तो होगा ही। आपकी नन्हे बेबी की स्किन आपकी स्किन से बहुत ज्यादा पतली होती है, ऊपर से इतनी तेज धूप और घर में चलते एसी, जिससे बेबी की स्किन से जो मॉइस्चर होता है वो बहुत जल्दी लूज हो जाता है। इसीलिए समर्स में बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज आपको अपने बेबी अयान की 2 स्टेप स्किन केयर रूटीन बताऊंगी। एक ऐसा सोप जो बेबी को जेंटली क्लीन करता है और सेफ इंग्रेडिएंट्स जैसे नेचुरल डिराइव ग्लिसरीन एंड विटामिन ई से बना हो, जो बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज रखे। ऐसा क्रीम जो 24 आवर्स बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, साथ के साथ ये कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट से बना होता है, जो बेबी की स्किन को सूद करना है। आपको भी यही मॉइस्चराइजर यूज करना है। मैं अपने बेबी अयान के लिए पहले दिन से ही जॉनसन्स बेबी का क्लेंजर और जॉनसन्स बेबी का कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट वाला मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, इसलिए मेरी बेबी की स्किन है बहुत ज्यादा सॉफ्ट। आप भी अपने बेबी के लिए ये 2 स्टेप समर स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए और अपनी बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज रखिए।